सॉफ्टवेयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अभी और थोड़ा इजी वे में जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रैक्टिस है 35। ध्यान से इतना स्टूडेंट्स इसको करते कैसे हैं, 16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy। मल्टीप्लीकेशन का सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया है, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, लेटर्स को लेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। नहीं समझ में आया मैं हेल्प करता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा, 288। चलिए तो करके देख लो एक बार। हाँ 16 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, 288। ओके मल्टीप्लाई एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स और एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई और वाई कितना हो गया, वाई स्क्वेयर। सो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया और जो दो एक्स वाई थे उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वेयर, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये तीनों को कर दो एक साथ लिख दो, 288 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, मल्टीप्लाई का साइन हटा देने का, आपका आंसर खत्म। इजी है ना। नेक्स्ट 23 एक्स वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4 वाई जेड स्क्वेयर, ईजी है डरने की जरूरत नहीं है। 23 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 92, ठीक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 12 4 12 सही है। 23 मल्टीप्लाई बाय 4 92, अभी x को मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना है यहाँ पे एक ही है तो x लिखा मल्टीप्लाई बाय x, y कितना है y y स्क्वायर और y यहाँ पे y स्क्वायर है यहाँ पे y है तो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई बाय y क्यूब, ठीक है। और z कितना है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर, ठीक है। सो समझ में आ गया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया पहले, फिर x जितना था x एक ही था तो एक बार लिखा, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y क्यूब 3y हो गया इसलिए y क्यूब, और z कितना है यहाँ पे स्क्वायर इधर ही है तो उसको वैसे का वैसे लिख दिया, बस मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, 92x y क्यूब z स्क्वायर, आंसर खत्म, ठीक है। अभी थर्ड वाला थोड़ा ध्यान देना, ये नया चीज सीख रहा, बहुत मस्त है। 12a प्लस 17b मल्टीप्लाई बाय 4c, इसको कैसे करने का, ये जो 4c है पहले 12a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखने का, फिर 4c 17b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। डोंट वरी मैं समझा रहा हूँ, पहले 4c को 12a के साथ मल्टीप्लाई करो, 4c मल्टीप्लाई बाय 12a हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस साइन होगा तो माइनस लिखने का। अब 4c 17b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया। 4c को बारी बारी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस लिख दिया इक्वल टू। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये खाली तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको आप अंडरलाइन मत करना, ये आपके समझने के लिए है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो जैसे ऊपर किया था ना फर्स्ट सम में, एकदम वैसे ही करना है, नंबर्स को नंबर के साथ लेटर्स को लेटर्स के साथ। 4 12 जा कितना होता है, 48। सी मल्टीप्लाई बाय ए, सी ए लिख दो या फिर ए सी लिख दो, सब एक ही है, ठीक है। 12 4 जा 48 और ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी, नंबर्स को नंबर के साथ लेटर्स को लेटर के साथ। प्लस 17 4 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 51, 17 4 जा 68, ठीक है। और सी बी भी है, सी मल्टीप्लाई बी बी यानी बी सी, अब उसको सी बी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, लेटर्स को लेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब भगवान के लिए इसको प्लस मत कर देना, आप नहीं कर सकते 48 और 68 को प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ए सी है यहाँ पे बी सी है। आप एडिशन तब कर सकते थे दोनों नंबर्स को अगर ये ए सी और ये ए सी होता, समझ में आ रहा है, या फिर ये बी सी और ये बी सी होता, दोनों लेटर्स अलग अलग है, ये ए सी है ये बी सी है, दैट्स द रीजन यू कैनॉट डायरेक्टली ऐड। भगवान के लिए दोनों को ऐड मत करना, 48 और 68 को ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये ए सी है ये बी सी है, दैट्स इट, यहाँ पे आपका आंसर खत्म। फोर्थ वन इससे एक लेवल ऊपर लेकिन ईजी है। अब यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था दो लोग के साथ, यहाँ पे दो नंबर है जो दो लोग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ पे एक नंबर दो लोग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे दो नंबर्स दो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डोंट वरी, पहले 4x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस फिर 5y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। डोंट वरी समझा रहा हूँ, पहले 4x को ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस लिखने का। अब किसकी बारी, 4x का तो हो गया, अब 5y की बारी,
फाइव वाई ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? पहले 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस है तो प्लस, फिर वह 5y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप, अभी इसको देखो, ये पे इसके जैसा है, दिख रहा है? एक नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 9x, प्लस है तो प्लस, और 4x 7y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 7y, कुछ अलग नहीं किया स्टूडेंट्स। जैसे यहां पे 4x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, वैसे ही 5y को 9x के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, फिर 5y को 7y के साथ मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है? ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 4x मल्टीप्लाई बाय 9x, 4 9 36, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 7y, 4 7 28, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 5 9 45, y मल्टीप्लाई बाय x, एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 5 7 35, y मल्टीप्लाई बाय y, वाई स्क्वायर। अगेन फॉर गॉड्स सेक डोंट एड अप दिस नंबर्स, ये 36x स्क्वायर है, ये 28xy है, ये 45xy है, ये 35y स्क्वायर है। आप ये दोनों को ऐड कर सकते हो, आप ये दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये 28xy है, ये 45xy है, xy xy है, तो आप ये दोनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो 36x स्क्वायर प्लस 28 और 45 कितना होता है, 73xy प्लस 35y स्क्वायर, ये है आपका फाइनल आंसर। अब इसको ऐड मत करना क्योंकि ये 36x स्क्वायर है, ये 73xy है, ये 35y स्क्वायर है। अगर तीनों x स्क्वायर रहेगा तो भी समझ में आता है, तीनों y स्क्वायर रहेगा तो भी ऐड कर सकते थे, लेकिन तीनों अलग अलग है, ये x स्क्वायर है, ये xy है, ये y स्क्वायर है, सो आप इस नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता तो कैसे करना है, ये तो मस्त है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर और उसका जो ब्रेथ है वो है 5x प्लस 3 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फोर्थ स्टैंडर्ड याद आ रहा है, फोर्थ स्टैंडर्ड का है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है? लेंथ कितना दिया है आपको 8x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितना दिया आपको 5x प्लस 3, सो लेंथ के बदले लिख दिया 8x प्लस 5, ब्रेथ के बदले लिख दिया 5x प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखोगे एकदम ऐसे ही सम है, एक नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, एक नंबर है मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले क्या करेंगे, 8x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जैसे ये किया है एकदम वैसे ही करना है। ऐसे टाइप को आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसमें लास्ट में आपको आंसर आएगा, अच्छे से करना, एकदम ऐसे ही है। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ लेना, पीछे आंसर दिया है, वैसे नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? अच्छे से करना स्टूडेंट्स। एंड ऑन दैट नोट, हमारा फर्स्ट टर्म यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस है 36 नहीं कर रहे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, और इतना शायद आएगा भी नहीं, पोर्शन सबके स्कूल में कम हुआ है। सो दिस इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, अब हम मिलेंगे दिवाली के बाद। सो अच्छे से करना इसको, कुछ डाउट्स है तो पूछना, प्लीज़ इसको मेहनत करो, प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत रात रात तक मैं ये सब वीडियोज़ बनाता हूँ तुम लोग के लिए, अगर तुम लोग करोगे तो मेरा भी मेहनत सफल हो जाएगा, ठीक है? सो अंटिल देन टेक केयर।